हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा, आपका बिजनेस स्टडी मेंटोर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं किस पे? कॉमर्स इजीली के कौन से बैच पे? शिखर 2.0। भैया, शिखर 2.0 अपना जोरों शोरों चालू हो चुका है। 11th वालों के लिए प्रारंभ चालू हो चुका कॉमर्स में। और मैं साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे आपके लिए टॉपर्स भी है, साथ ही साथ अगर आप बात करो तो आपके लिए कॉमर्स में उदय का बैच भी रन कर रहा है। ठीक है, तो साइंस में हो गया आपके लिए प्रारंभ एंड टॉपर्स, और उदय में अगर मैं कॉमर्स से बात करूं तो उदय 2.0 और शिखर 2.0 आपके लिए एक्टिवेट हो चुके हैं, रीलोड हो चुके हैं, अपलोड धमाधम हो रहे हैं। कैसा लग रहा है क्लास? मजा आ रहा है, नहीं आ रहा भैया बताओ तो सही, मजा आ रहा है? तो क्या बात करी थी हमने लास्ट क्लास में? हमने बात की थी सर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को लेकर, और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की मीनिंग को बड़ा ही अच्छे ढंग से समझा था। चौरसिया साहब हमारे साथ ही थे, मिस्टर एक्स एज इट इज सब कुछ सॉल्व कर ही देते हैं। चौरसिया साहब की थोड़ी सी राजस्थानी भाषा, मारवाड़ी भाषा बड़ा ही मन लुभा लेती है, लुभाती है। तो आज क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे चैप्टर को आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो भैया जहां मीनिंग आता है तो वहां पे दो चीज जरूर जुड़ जाती है, तो दो चीज की तो बात नहीं करेंगे, पर एक चीज जरूर जुड़ जाती है, और वो होता है उसके फीचर्स। क्योंकि अगर हमें कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि हमें अगर उसकी मीनिंग क्लियर है, अगर हमें उसका डेफिनेशन समझ में आ गया, तो फीचर तो भैया एकदम इजी है, मक्खन है, बटर वाला सीन है, पिघलते ही आ जाएगा। तो चलिए क्या कहना चाहता है हमसे? तो हमारा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और बात किसकी करेंगे आज हम? फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को लेकर बात करेंगे। तो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 2, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और उसमें जो आज टॉपिक कवर करेंगे दैट विल बी फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट कर दें। तो जैसे स्टार्ट करते हैं, आपको पता है कौन आता है हमारे बीच? हमारे बीच आते हैं हमारे चौरसिया साहब और मिस्टर एक्स। एज यूजुअल चौरसिया साहब स्वैग में बढ़िया ही लग रहे हैं, लगते हैं भाई घर का हिस्सा हुआ नहीं हुआ चौरसिया साहब आपके? हुए क्या? स्वैग में एकदम गजब है। और मिस्टर एक्स एज यू नो फॉरेन से रिटर्न है, एकदम स्ट्रिक्ट है, समझाते हैं बढ़िया तरीके से, थोड़ा सा एक्सेंट का इशू रहता है, तो मैं बीच में आके चौरसिया साहब को थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, पर मैं समझ लेता हूँ कि मिस्टर एक्स क्या कहना चाहते हैं, और चौरसिया साहब को उनकी भाषा में समझा देता हूँ। तो चौरसिया साहब का सवाल क्या है पहले ये देख लेते हैं। चौरसिया साहब का सवाल है फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और साथ ही साथ लग गया है क्वेश्चन मार्क। तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया था, जनरल ट्रूथ है, जनरल गाइडलाइंस है, ये हमने बात करी थी। क्या क्या कहना चाहता प्रिंसिपल मैनेजमेंट? प्योर साइंस से हमने कंपेयर किया था, वैल्यू से कंपेयर किया था, मैनेजमेंट टेक्निक से कंपेयर किया था। तो आज हम बात करेंगे फीचर्स को लेके। तो फीचर्स में सबसे पहले क्या बात करते हैं बेटा, दैट द फर्स्ट थिंग इज, तो अगर हम देखते हैं तो हमारे सामने क्या देखने को मिल रहा है, इट इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो ये कह रहा भैया जनरल गाइडलाइंस, जो हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ी है कि जनरल गाइडलाइंस के रूप में काम करता है, रिजिड नहीं है, स्टैटिक नहीं है। ठीक है, जैसे साइंस होता है ना भैया, फिक्स बोल दिया जो बोल दिया, उसके अलावा बदलाव नहीं हो सकता, वो चीज नहीं है, जनरल गाइडलाइंस है। जनरल गाइडलाइंस हमारी जिंदगी में हमें बहुत जने देते हैं, आपके पेरेंट्स को देखोगे तो वो बोलते हैं कि ये अगर वहां जा रहे हो तो ये मत करना। अब करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। तो जनरल गाइडलाइंस, उसने अपना अनुभव शेयर किया आपसे कि हमने भी अपनी जिंदगी ऐसे ही सफेदी नहीं करी बेटा, ये बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए, ये करने से ये गलत होता है, ये करने से ये नुकसान हो सकता है। तो दैट इज जनरल गाइडलाइंस, वो आपको अपना अनुभव बता सकते हैं, वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि आज आप क्या बोलते हो। पुराने जमाने में वो चीज हुआ करती थी, अब नहीं चलती, तो उस समय का सिचुएशन अलग है, अभी का सिचुएशन अलग है। इट मींस चेंजेस करने पड़ेंगे कहीं ना कहीं उस चीज को मीट आउट करने के लिए। एंड व्हाट इट सेज, इट सेज फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये भी हमने कहां पढ़ा था, ये भी हमने जब डेफिनेशंस कवर की थी तो यहां बात की थी, भैया ऐसे ही फॉर्म नहीं होता, ये प्रैक्टिस होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, एक्सपेरिमेंटेशन होता है, कैसे कैसे होते हैं जो समझेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं कहना क्या चाहते हैं, फिर हम समझते हैं भैया क्या मतलब है। पहला पॉइंट कहता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल शब्दों में मैं आपको रटाना चाहता हूं, बुक से तो आप ही पढ़ रहे हो भाई, बुक में जो लिखा अगर वही लिख के ले आऊंगा तो फिर मतलब ही क्या, पढ़ाना है, समझ रहे हो, पढ़ाना है मुझे, बुक थोड़ी पढ़ाना है आपको, यहां पे कंसेप्ट को समझाना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि समझाना है ना कि बुक
पढ़ाना है, बुक तो आप ही पढ़ लोगे। जब मेरे यहां से पढ़ के आप गए और उसका मतलब समझ गया, तो बुक में आप 10 लाइन लिखो उसका क्रक्स तो वही निकलेगा। सो बेसिकली इट सेज इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड जनरल गाइडलाइंस डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। मींस क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे देखेंगे, एग्जांपल मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इसको भी हमने पढ़ा है। तो देखिए, एक जब आप टॉपिक पढ़ते हो उसको दूसरे टॉपिक से मैं कनेक्ट इसलिए रखता हूं कि आसान रहे, आपको वापस से बिगनिंग स्क्रैच नहीं करना पड़े। तो जब ये चैप्टर फॉर्म किया गया, ये चैप्टर का जब इस तरह से प्रिपेयर किया गया, तो मैंने पहले ही बैक ऑफ माइंड ये चीज कर लिया था कि जिस दिन हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहीं पे ऑलमोस्ट चैप्टर का कहीं ना कहीं आपको एक क्रक्स दे दिया जाएगा, और जब हम इस क्लासेस को आगे रन करते हैं तो वो चैप्टर जो बैक ऑफ माइंड है वो आपके जुड़ता जाता है। देन एग्जाम्पल अगर बात करूं किसकी बेटा, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एक्सप्लेनेशन, दैट इज डिविजन ऑफ वर्क है, और बोलना क्या होता है, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड। तो एक एक चीज को समझते हैं, सबसे पहले यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन हमसे क्या कहना चाहता है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन कहना चाहता है कि भैया ये ऐसे ही नहीं हो जाता है ना, मींस ये हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इट मींस चाहे बड़ी साइज की ऑर्गेनाइजेशन हो या छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे किसी भी नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, हॉस्पिटल हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, आपका घर हो, हर जगह क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। हाँ, ये बात जरूर माननी पड़ेगी कि भैया कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट है। पहले घर में रूटीन अलग हुआ करता था, आज की जनरेशन की रूटीन अलग हुआ करती है, काम करने का तरीका अलग हुआ करता है, पर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के गुण तो वही हैं। उसमें क्या कर रहे हो आप, मॉडिफिकेशन। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल बोलता ही क्या है, इट इज फ्लेक्सिबल। क्या बेटा, ये फ्लेक्सिबल है, और फ्लेक्सिबल का मतलब ही क्या है कि इसको आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो, बदल सकते हो, चाहे वो बिग साइज हो, चाहे वो स्मॉल साइज हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो बेटा, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, किसी भी हो, मैनेजमेंट एक ही है, मैनेजमेंट का तरीका एक ही रहेगा, बस अकॉर्डिंग टू साइज सिचुएशन क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। अब देखिए इसको एग्जांपल लेते हैं डिवीजन ऑफ वर्क का। डिवीजन ऑफ वर्क बड़ा काम की चीज है, ठीक है। अब डिवीजन ऑफ वर्क की बात सुनिए, चलिए यहीं से लेते हैं एग्जांपल को, उसको समझेंगे और डिटेल में हर एक पॉइंट में समझेंगे। अब डिवीजन ऑफ वर्क है बेटा, चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, डिवीजन ऑफ वर्क तो करना ही पड़ेगा। वो अलग बात है कि जहां पे आप सिंगल पर्सन हो और सब कुछ आप ही हैंडल कर रहे हो, वहां पे डिवीजन ऑफ वर्क एक्टिव ही नहीं होगा, वहां पे काम बांटो किससे, आप भी सब कुछ होल एंड सोल कर रहे हो, तो वहां पे क्या हुआ, फ्लेक्सिबल, वहां पे डिवीजन ऑफ वर्क एक्टिव नहीं हो पाया मैनेजमेंट का। पर चाहे रिलायंस हो, टाटा हो, या ये मान लीजिए हम छोटे हम कर रहे हैं, आपके लिए पढ़ा रहे हैं, तो यहां पे डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है ना। कैसे हो रहा है भैया, मैं बिजनेस स्टडी का टीचर हूं, आपके अकाउंटेंसी के अलग है, आपके इकोनॉमिक्स के मेंटर अलग है, तो दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। क्या लेट करेगा, स्पेशलाइजेशन करेगा, चाहे किसी भी टाइप की हो, एजुकेशन, आप स्कूल जाते हो तो आपके सारे टीचर एक ही थोड़ी हैं, एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आपको, नहीं, अलग अलग टीचर्स हैं, इट मींस डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है। वहां पे भी देखोगे प्रिंसिपल अपने, प्रिंसिपल जो अपने काम कर रहा है, वाइस प्रिंसिपल अपना काम कर रहा है, एकेडमिक वाला अपना काम कर रहा है, जो स्टाफ है वो अलग काम कर रहा है, पियोन भैया अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एवरीवन इज डूइंग डिफरेंट टास्क, तो वहां पे भी डिवीजन ऑफ वर्क है। आपके घर में चल जाइए, वहां पे भी डिवीजन ऑफ वर्क है। फादर अलग काम, फादर अलग सेक्शन संभालते हैं, मदर आपका पूरा घर का हाउस होल्ड मैनेज कर रही है, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो या जो भी एक्सपेंसेस हेल्प कर रहे हो, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। क्लियर है? तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, चाहे इंडिया हो, इंडिया के बाहर हो, चाहे नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो या बड़ी हो, एप्लीकेबिलिटी यूनिवर्सल है। सेकंड, जनरल गाइडलाइंस डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर ऑल दी प्रॉब्लम्स, दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जांपल के साथ समझते हैं। और इसको नॉर्मल, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जैसे जनरल गाइडलाइंस क्यों है कि आपकी मम्मी ने कुछ कहा, आपके फादर ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, जैसे कि आप मान लीजिए ट्रेन में जाते हो तो हर बार एक बात जरूर जनरली गाइडलाइंस बोली जाती है। क्या बोली जाती है, यात्री अपना सामान का ध्यान स्वयं रखें, एक तो ये बात। दूसरा, आपकी मदर फादर क्या बोलते हैं, बेटा कोई खाना दे तो उसे लेना मत, क्या पता उसमें क्या मिला रखा हो, बेहोश कर दे तेरे को, सामान चुरा ले तेरा, है ना। तो ये होती है जनरल गाइडलाइंस। अब आप इसको कितना अमल करते हो, कितना अमल नहीं करते, दैट इज डिफरेंट सिनेरियो। उस सिचुएशन में आप गए, मान लीजिए ट्रेन में बैठे, आपको आपका दोस्त मिल गया सामने, नॉन मिल गया, तो फिर आपके लिए वो क्या हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई। क्या मिल गई कि अब आप ये थोड़ी बोलोगे नहीं है, नहीं आप, अच्छा ये तो अंकल है, मेरे जानकार है, पर मम्मी ने कहा भैया नहीं स्ट्रिक्ट है, मैं नहीं खाऊंगा आपके खाना हाथ का, नॉट पॉसिबल, आराम से खाओगे क्योंकि जानकार है आपका वो, अच्छे दोस्त बन गए, रास्ते में बात करते करते आपको लगा हाँ भैया ये बंदा ठीक है, ऐसा कोई इसके इरादे नहीं लग रहे, यू हैव इट, ठीक है। कई बार तो मम्मी बोलती बेटा ट्रेन रुकी है कहीं स्टेशन पे तो उतरना नहीं, जनरल गाइडलाइंस है,
आपको पता है आधी घंटा रुकिया कहीं नहीं निकलने वाली ट्रेन, सारी दुनिया उतर रही है, समोसे चेप रही है, आगरा को स्टेशन आ गया, कहीं आ गया आगरे फेटे लेने, ठीक है आप वहां उतर गए, दैट इज जनरल गाइडलाइंस। क्लियर, आगे बात समझ में, जैसे देखा है ना जनरल गाइडलाइंस ही तो है, कई बार लिखा होता है बोगी में जो आप ट्रेन में चढ़ते हो तो ट्रेन में लिखा होता है स्मोकिंग इज नॉट अलाउड, कई लोग देखते हैं वहाँ बैठ के सीढ़ी में बैठ के बीड़ी फूंक रहे, जनरल गाइडलाइंस है भैया, किसको कैसे यूज करना है किसको कैसे यूज नहीं करना, इट मींस ये फ्लेक्सिबल है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या हो सकता है बदलाव हो सकता है, दैट इज सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन कैसे इसका एग्जांपल है, मैंने आपको बताया था कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे जहां पे सेंट्रलाइजेशन सारा डिसीजन कौन लेता है, वो जो ओनर है वो बोलता है भैया सब कुछ मेरे हाथ में रहेगा, मैं ही कंट्रोल करूंगा, मैं जो डिसीजन लूंगा वही फॉलो करना है आपको, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। वर पर सेंट्रलाइजेशन हर जगह एक्टिवेट नहीं हो सकता, स्कूल को ले लीजिए, प्रिंसिपल अगर बोले कि भैया सारे डिसीजन मैं ही लूंगा, जो भी बच्चों को पूछता है मेरे से पूछो, तो भैया आपको अगर वॉशरूम भी जाना तो आपको प्रिंसिपल के पास जाना पड़ेगा, फिर तो प्रिंसिपल जी को बोल दिया भैया सर कह रहा है कमी नहीं है, मेरे को वॉशरूम जाना है, अरे यार जा, ऐसे पता है पूरे स्कूल के अगर सारे बच्चे लाइन लगाए खड़े हैं और बोल रहे हैं वॉशरूम वॉशरूम वॉशरूम, आई वांट टू ड्रिंक वाटर, मेरे को बाहर दूसरी क्लास में जाना है, मुझे उस क्लास से जाके पेन लेके आना है, मुझे उस दोस्त से बात करनी है, वो सारे डिसीजन बोलेगा तो हो जाएगा, नहीं हुआ, वहां क्या जरूरी है डिसेंट्रलाइजेशन। तो अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन तो वहां पे आप सेंट्रलाइजेशन कर सकते हो क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में है, ठीक है, अगर एक दो जनों काम बांट रखा उसको भी आपने बोल रहे भाई जो भी काम करोगे मुझसे पूछिए करना चलता है, पर जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है वहां पे क्या करना पड़ेगा सेंट्रलाइजेशन से कहां मूव करना पड़ेगा डिसेंट्रलाइजेशन पे मूव करना पड़ेगा, इट मींस इट इज जनरल गाइडलाइंस फ्लेक्सिबिलिटी। थर्ड फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, भैया मैंने आपको बताया था प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होता है, ऐसे ही नहीं बन जाता, ठीक है, कि आपने कुछ देखा आपने कुछ अनुभव किया, चौरसिया साहब चल रहे थे रास्ते में कुछ देखा, बोले अच्छो वो एक है चाल मैं भी जा रहा हूं वो एक काम कर लूं, यह करना पड़ा है, तो बस उन्होंने देखा और जाके करने लगे, क्या वो एक्टिवेट हो जाएगा, नहीं, वो कभी अपने घर पे उनका लागू हो गया, चलिए कहीं और जाके देखा नहीं वो एक्टिवेट, वो चीज उन्होंने जो चीज सीखी रास्ते में भैया ऐसे करने से काम हो जाता है, पर ये चीज हर जगह एप्लीकेबल होगी, नहीं होगी। जैसे डिवीजन ऑफ वर्क ले लीजिए, जहां पे बहुत सारे जने वहां पे डिवीजन ऑफ वर्क कर दोगे, जहां पे एक जना वहां डिवीजन ऑफ वर्क कहां करोगे, छोटा सा बिजनेस है वहां डिसेंट्रलाइजेशन लेके करोगे क्या, वहां पे आपको सेंट्रलाइजेशन चाहिए, सब कुछ आपके कमांड में होना चाहिए तभी बिजनेस प्रॉपर रन कर पाएगा। एक प्रिंसिपल होता है एस्प्रिट डी कॉर्प्स, ये एक प्रिंसिपल होता है, इसका मतलब तो यूनिटी, क्योंकि मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट किसका भी नेचर बिहेव करता है, किसके नेचर को हैंडल करता है, किसके नेचर को, लोगों के नेचर को, ठीक है, जो आदमी है आपके लोग काम कर रहे हैं अलग अलग सेक्शन से आए हुए, अलग अलग एरिया से आए, अलग अलग सोच के साथ आए, कल्चरल वैल्यू एथिक्स के साथ आए, उनको इकट्ठा करना, उनको यूनाइट करना, उनकी यूनिटी इकट्ठी करना कि भाई सब साथ मिलकर काम करेंगे, एक साथ करेंगे, कोई किसी का बुरा नहीं करेगा, पर जब एक ही जना है तो वहां पर यह काम आएगा क्या, क्या करोगे, खुद में यूनिटी ढूंढोगे, नहीं, जब ज्यादा जने होंगे, एक से ज्यादा जने होंगे, 10 जने होंगे, 15 जने होंगे, 2 जने होंगे, 3 जने होंगे, तब यूनिटी ऑफ होना चाहिए ना एक्शन, तब यूनिटी की बात आएगी, जब अकेला ही सब कुछ करो तो काई की यूनिटी, तो वहां पे एप्लीकेबल हुआ, नहीं हुआ। डिविजन ऑफ वर्क, जहां एक जना ही काम कर रहा है वहां पे हुआ, नहीं हुआ। जहां पे एक ऐसा पर्सन है जो खुद की पर्सनलाइज स्किल्स जो है उसको यूज करके अपनी सर्विस देता है, तो वो जब सर्विस खुद दे सकता, देगा ही, उसके अलावा कोई दे नहीं सकता, तो वहां पे डिवीजन ऑफ वर्क एक्टिवेट होगा, नहीं होगा। इट मींस फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, कंडक्ट हुआ, तो ये सारी चीजों को कवर कर रहा है। तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या देखा, एक्सपेरिमेंट किया गया, हर जगह जा जाके देखा कि भैया जहां थोड़ी सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वहां पर डिवीजन ऑफ वर्क करोगे तो क्या होता है, स्पेशलाइजेशन आती है, काम एक अच्छी होता है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा, काम में स्पेशलाइजेशन आएगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी, इफेक्टिवनेस आएगा, एफिशिएंसी आएगी, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होगा, ये हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में देखा गया, जो ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी बड़ी है, जहां पे एक से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, जहां पे वर्क को डिवाइड कर सकते हैं, तो वहां पे डिवीजन ऑफ वर्क को जब लगातार इतने सालों तक यूज किया गया हर जगह, इंडिया नहीं, इंडिया बाहर भी, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, इंस्टीट्यूशनल, हॉस्पिटल, सब जगह देखा गया, और देखा भैया हाँ भाई डिवीजन ऑफ वर्क सच्ची में क्या है, कारगर, वो सही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, तब जाके उसको क्या किया, डेवलप किया गया। और ऐसे ही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और धीरे धीरे प्रिंसिपल मैनेजमेंट आते रहेंगे, जब चीजों को देखेंगे, जैसे मैंने बताया था प्रिंसिपल मैनेजमेंट बनता कैसे, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट बहुत जरूरी है,
है ना भैया, ये करने से ये हुआ और ये करने से ये नहीं हुआ, ये एक क्या होता है मैनेजर को कहीं ना कहीं एक अपनी पास्ट मिस्टेक समझाता है, उसको आगे फ्यूचर से डिसीजन के लिए तैयार करता है कि फ्यूचर में अगर प्रीवियस टाइम मैंने ऐसा डिसीजन लिया था यार, ऐसे इफेक्ट आया, उसका रिजल्ट आया। ठीक है, कई बार आप क्या होते हो स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हो, ठीक है, कई बार आप पेनल्टी चार्ज कर देते हो जिससे आपको लगता है कि क्या पता मैं जो एम्प्लॉइज है वो सुधर जाए, क्या पता उसका नेगेटिव इफेक्ट आ गया, वो एकदम ही एरोगेंट हो गए, अच्छा तू मेरे पेनल्टी कर ले, जो काम करना तू ही कर ले, हम नहीं करेंगे, एकदम ही आपके लिए विपरीत हो गया वो, क्योंकि ये क्या है ह्यूमन बिहेवियर से डील कर रहा है ना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट है क्या बेटा, मैनेजमेंट इज अबाउट मैनेजिंग द मैन, बेसिकली अगर मैनेजमेंट को तोड़ दो आप मैनेजमेंट, ठीक है, किसको मैनेज कर रहे हो, जो रिसोर्स है, रिसोर्सेज कौन है यहाँ पे आपके, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्स को आप जब डील करते हो तो उसके नेचर से डील कर रहे हो, और हर किसी का नेचर अलग होता है, सेम नहीं होता। इज इट क्लियर? तो तीन आपके क्लियर हो, यूनिवर्सल एप्लीकेशन दैट इज जनरल गाइडलाइंस, एग्जाम्पल हमने पढ़ा दैट इज की जनरल गाइडलाइंस है, रिजिड नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं है, अकॉर्डिंग सिचुएशन चेंज कर सकते हो, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। क्लियर? चलिए जी आगे क्या बात, आराम से आगे बोल रहा है भैया, ये फ्लेक्सिबल है, ये बिहेवियरल नेचर है, और साथ ही साथ इसमें एग्जांपल दीजिए डिसिप्लिन। चलिए जी पढ़ते हैं इसको, क्या कहना चाहता हमसे, क्यों चोरा से साहब मजा आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा बेटा, आ रहा है, चलिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बोला सेंट्रलाइजेशन, अभी मैंने बताया आपको कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन लागू हो सकता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन कारगर साबित हो सकता है, जहां लगता है कि भैया सेंट्रलाइजेशन यूज करने से, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन यूज करने से ज्यादा फायदा रहेगा, ठीक है, तो वहां वो यूज करोगे। जहां लगता है डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए वहां क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, तो फ्लेक्सिबल है या नहीं है, बताया अभी आपको जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस क्या होते हैं, फिक्स होते हैं क्या, रिजिड होते हैं क्या, नहीं फिक्स नहीं होते, रिजिड नहीं होते, स्टैटिक नहीं होते, ऑब्सोल्यूट नहीं होते, चेंज कर सकते हो उनको आप, ठीक है, इनको बदल सकते हो, जो आपको लगता है कि भैया हाँ ये चीज गलत है, इसको सही कर देना चाहिए, इसमें कुछ बदलाव करना चाहिए, इसकी वजह से ये, क्योंकि आपने क्या करा, अगर मान लीजिए आपने वो चीज एक्टिव करा, कोई प्रिंसिपल मैनेजमेंट लागू करा किसी सिचुएशन पे, तो आपने देखा उसका इफेक्ट पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो क्या कर दोगे, चेंज करना जरूरी है, ऐसा तो है नहीं कि भाई इसको आप लागू कर दे तो चेंज नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो। क्लियर? सेकेंड दैट इज बिहेवियरल इन नेचर, अब ऑब्वियसली किससे डील कर रहा है बेटा, ये ह्यूमन नेचर से डील कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया ह्यूमन नेचर कैसा होता है, बड़ा ही डायनेमिक होता है, क्या होता है डायनेमिक, और डायनेमिक का मतलब क्या है बेटा कि कभी भी कुछ भी, अभी तो उसके लिए बढ़िया है वो चीज, कल उसके लिए वो चीज खराब हो सकती है, ठीक है। किसी को आपने पेनल्टी दी, किसी को पनिश किया, तो कोई बंदा तो होगा हाँ यार पनिश कर देंगे अपने, अगली बार ध्यान रखना है, और कोई थोड़ा सा इगोस्टिक पनिश कर तो रही इतनी, तू मेरे को पनिश कर रहा है, करवा ले काम तू, अब आके करवा ले, चोरसिया साहब कैसे हो आप, यही करोगे चोरसिया साहब, क्या करेंगे बताओ, बताइए चोरसिया साहब क्या करेंगे अगर आपको पेनल्टी लगा देंगे तो। अरे मेरे पे पेनल्टी लगा दी ना तो मैं काम को नहीं करूं, क्या लगा दी मेरे पे पेनल्टी, समझी बात। तो किसी पर्सन का नेचर कैसा हो सकता है आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, सो दैट्स व्हाई बेसिकली क्या होता है बेटा, गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है प्रिंसिपल मैनेजमेंट का, इंसिस्ट इन द रिलेशन बिटवीन द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट, क्या करना है रिलेशन को बेटा, इंप्रूव करना है, किसके रिलेशन को, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट को। बेसिकली प्रिंसिपल मैनेजमेंट है क्या, बताया आपको मैंने, ये ह्यूमन बिहेवियर ह्यूमन नेचर से डील करता है। प्रिंसिपल मैनेजमेंट बने इसलिए क्योंकि बेसिकली मैनेजमेंट हो किसका रहा है, ह्यूमन बीइंग का हो रहा है। तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट है क्या, जैसे अगर इक्विटी की बात कर लो, यहां पे डिसिप्लिन लिया साथ ही साथ अब इक्विटी भी ले लीजिए, इक्विटी का मतलब सबको बराबर रखिए, ठीक है, आप डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए, ठीक है, आप कलर के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे क्या नहीं कीजिए, डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए, अरे तू दोस्त छोटी जात का है, तू बड़ी जात का है, तेरे को इतनी इज्जत मिलेगी, फीमेल्स मेल्स के बीच में आप डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए, इक्विटी। तो ये क्या कर रहा है, दोनों को बराबर लेके आ रहा है। साथ ही साथ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब जब मैं बोलता हूं तो यहां पे आता है कमिटमेंट, और कमिटमेंट दोनों तरफ से होती बेटा, कमिटमेंट सिर्फ एक ही तरफ से नहीं होती है ना, कमिटमेंट आप देखोगे तो यहां पे जो एम्प्लॉई है उसके लिए भी कमिटमेंट वर्ड यूज करा जाएगा और एम्प्लॉयर है उसके लिए भी यूज किया जाएगा। आप समझिए कैसे, मान लीजिए एम्प्लॉयर जो है मालिक है कंपनी का, उसने बोला कि भैया कंपनी की हालत थोड़ी खस्ता चल रही है, थोड़ी बुरी चल रही है, पर हमें एक ऑर्डर मिला है, अगर वो ऑर्डर पूरा कर देंगे तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकती है, रिवाइव कर सकती है अपने को इस लॉस से, पर
आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए ओवर टाइम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ओवर टाइम। और इसके लिए अभी हम आपको पे नहीं कर पाएंगे, है ना, इसके लिए हम अभी आपको पे नहीं कर पाएंगे, पर हाँ अगर हमारा ऑर्डर फुलफिल हो जाता है, कंप्लीट कर देते हैं, तो फिर जो प्रॉफिट कमाएंगे उसमें सर्टन प्रॉफिट आपको दे दिया जाएगा। ये बात कही इंप्लॉय ने, मान लिया, जितने भी कर्मचारी थे उन्होंने बोला हाँ सर हम करने को तैयार हैं, कंपनी को रिवाइव करेंगे, कंपनी को वापस से पुराने दौड़ाएंगे, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, ठीक है, अच्छी तरह काम किया, ओवर टाइम किया, दिन रात मेहनत की, ऑर्डर फुलफिल हो गया और पैसा कमाया कंपनी ने, तो एम्प्लॉय ने अपना कमिटमेंट पूरा किया, एम्प्लॉय ने बोला कि भैया हाँ हम पैसे नहीं मांगेंगे कब तक, जब तक कंपनी का जो प्रॉफिट वाला हिस्सा वो कंप्लीट नहीं हो जाता, जो ऑर्डर है वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम कंपनी से पैसा नहीं मांगेंगे। बोले वेरी गुड। अब जब इन्होंने अपना कमिटमेंट पूरा किया तो एम्प्लॉयर को भी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, भैया आपने प्रॉफिट कमाया, ओवर टाइम इन्होंने किया, तो आपको क्या देना पड़ेगा, प्रॉफिट में शेयर देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, प्रॉफिट में शेयर। नहीं दोगे तो फिर क्या है, अगली बार कभी मांगोगे तो करेंगे काम, अगली बार छोड़िए अगले दिन काम करेंगे, नहीं करेंगे, भाग जाएंगे, बोल देंगे हट पागल था, बुर्बक समझ रखा हमको, फ्री में काम करवाएगा हमसे, तुम क्या बोले थे हमको, क्या बोले हमको, हमको बोले कि भैया ओवर टाइम कर दीजिए, बाद में जब पैसा कहा कंपनी हम दे देंगे, बुर्बक दे नहीं रहा पैसा हमको, हम नहीं करेंगे काम, मना कर देंगे, समझ में आई बात। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कि भैया यहाँ पे डिसिप्लिन, यहाँ डिसिप्लिन का मतलब दोनों चीज है, यहाँ दोनों मतलब है डिसिप्लिन का, डिसिप्लिन का एक का मतलब है कि भैया अगर मालिक कोई गलती करे तो उसका भी ऑर्डर काम होना चाहिए, तरीके से काम होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई अपनी मन मर्जी से काम कर रहा है। दूसरा यहाँ पे डिसिप्लिन वर्ड जब बोलते हैं तो कमिटमेंट, कमिटमेंट का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे कमिटमेंट का मतलब है कि अगर आपने कोई चीज बोली है कि अगर आप ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे आपके लिए, वो फुलफिल होनी चाहिए, और ये दोनों की तरफ से होना, तभी तो बोला कि भैया क्या कर रहा है, इंप्रूव करने के, किसके इंप्रूव करेगा, रिलेशन सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के रिलेशन को इंप्रूव करेगा। अब सुपीरियर कौन हुआ, आपके टॉप मैनेजमेंट हुआ, आपके मैनेजर्स हुए, मिडिल लेवल मैनेजर्स हुए, आपके सुपरवाइजर मैनेजर हुए, तो अब वर्कर जो है वो किसके नीचे है भैया, वो सुपीरियर के नीचे है, सबॉर्डिनेट है, तो वो किसके लिए काम कर रहा है, सुपीरियर। अब मान लीजिए सुपीरियर ने कुछ बोला, सबॉर्डिनेट ने कर दिया, पर सुपीरियर उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर रहा, तो सबॉर्डिनेट अगली बार काम करेगा, नहीं करेगा, मना कर देगा, भगा देगा, बोले चल यहां से निकल, आगे बात समझ में। सो दिस वाज द अदर टू फीचर्स, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड बिहेवियरल नेचर, इज इट क्लियर, चले आगे। चलिए जी, अगला पॉइंट क्या कह रहा है हमसे, अगला बोल रहा है बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड सेकंड कंटिजेंट। एग्जाम्पल साथ में दे रखे हैं, यहां पे कॉज एंड इफेक्ट मैंने आपको बताया था ना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है बेटा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को यूज करता है, ये बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाट माइट बी द इफेक्ट, आप जो प्रिंसिपल यूज कर रहे हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे उसका इफेक्ट क्या आएगा, ठीक है, वो आपकी कंपनी के लिए पॉजिटिव सेंस में आएगा या नेगेटिव सेंस में आएगा। Obviously, आपके जो बड़े जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बने हैं वो ऐसे नहीं बने, पर्टिकुलर सिचुएशन वो चीज अप्लाई करी गई होगी, फिर उसको देखा गया पॉजिटिव है नेगेटिव इफेक्ट है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया डिसिप्लिन को लेकर या पनिशमेंट को लेकर, ठीक है, आपने पनिशमेंट दिया, कोई तो मान गया, बोले हाँ यार कंपनी स्ट्रिक्ट है, निकाल देगी जॉब से पनिशमेंट, अगली बार गलती नहीं करनी चाहिए। और कई है जो अकड़ू होंगे, हट बुर्बक तू हमको पनिशमेंट देगा, हम चल देंगे छोड़ के, कर लो जिसको काम करना है, हम नहीं करेंगे कल से काम, ठीक है, सुना है ना, कई बार आपने देखा है ना, मीम आता है, रील्स देखी होगी, ठीक है, कई बार आपने आजकल कुछ रील्स चल रही है जहां पे वो जैसे कंपनी को छोड़ के जाते हैं, सिंपल सा लिख के चल जाते हैं आई क्विट। अब क्या बात है क्या नहीं है, उसने कोई चेंज किया होगा, कंपनी कुछ बदला, उसको पसंद नहीं आया होगा, भले हट निकल रहा हूं मैं यहां से, आगे बसन में, तो क्या इफेक्ट रहेगा उसका, तो बेस्ड ऑन कॉज है, तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट किस पे बेस्ड है बेटा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे, कि ऐसा हुआ उसके ऊपर आपने ये प्रिंसिपल अप्लाई किया तो उसका रिजल्ट क्या निकल के आया। इक्विटी करने से सब लोग खुश है कि सबको बराबर देते हैं, ठीक है, ऐसे हम पढ़ेंगे रेम्यूनरेशन को लेकर भी, फेयर रेम्यूनरेशन, कि जिसका जितना बनता है उसके हिसाब से उसको मिलना चाहिए, ठीक है, यहां पे हम सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट के बारे में ही पढ़ेंगे,
यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसा करने से क्या रिजल्ट आया, ऐसा करने से आपका इफेक्ट क्या रहा, आइदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव, ये कंपनी को सोचना होगा। कंपनी को ये देखना होगा कि भैया इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हम ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल करते हैं तो रिजल्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। कंटीजन, जैसे मैंने बताया आपको यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी तो है पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। सेम यहीं पे वो बात बोल रहा है, कंटीजन क्या बोलना चाहता है, डिपेंडेंट अपॉन अ सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए आप बड़े एमबीएस कॉलेज से पढ़ के आए हो, अच्छा अच्छा आप आईआईएम से पढ़ के आ गए, अहमदाबाद से पढ़ के आए हो, ठीक है, बहुत तगड़ा कॉलेज, एमबीए करा वहाँ से आपने, वहाँ आपने रूल्स देखे, आपने समझा, अच्छा ये ट्रेनिंग के अंदर देखा था मैंने यार ऐसा करने से आप आए ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिव लगे, आप वो मैनेजर की पोस्ट पर अप्लाई किया कि सर आप संभालिए थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन की हालत खराब है, खस्ता है, ठीक है, बैठ नहीं रहा, तो आपने ठीक है मैनेजमेंट करते हैं। अब आपने ऑर्गेनाइजेशन को समझा ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को देखा ही नहीं, ह्यूमन बिहेवियर को समझा ही नहीं, लोगों की सोच क्या समझा ही नहीं, लोगों की समस्या क्या इसको जाना ही नहीं, और सीधा आते ही आपने जो कॉलेज में पढ़ा था वो कॉपी पेस्ट कर दिया और उससे ये हुआ कि कंपनी का और बुरा हाल हो गया। लोग करने लगे विद्रोह, चले गए स्ट्राइक पे, वो मैनेजर ओनर आके बोला भैया देवता तेरे को इतने महंगे में रखा क्या करवाया तूने, ये निकलवा दिया लोगों को यहाँ पे, वो जो काम हो रहा था और बंद करवा दिया। इट मीन्स जो पढ़ा है मान लिया आपने, समझ लिया आपने, समझदारी दिखाई, पर जहां उसको अप्लाई करना है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना है उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, उसका ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट क्या है, लोगों की सोच क्या है, ठीक है, कई बार होता है ना कोई न्यू पॉलिसी आप एक्टिव करना चाहते हो, कुछ लोग तो बड़े इजी वे में उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जो क्या होते हैं एकदम रिजिड होते हैं, नहीं हम तो नहीं करेंगे इस पॉलिसी को एक्सेप्ट, ये हमारे खिलाफ है, हमारे हित के खिलाफ है, चाहे उसमें हित है या नहीं है पता नहीं, पर वो अगेंस्ट हो जाते हैं। आप उनको कैसे उस चीज को एक्सेप्ट करवाना है, ये किसका काम है, मैनेजमेंट का काम है। कैसे करेंगे, पॉलिसी को आप चेंज करोगे, इस तरह से एक्टिव करोगे, उसको बताओगे कि भैया ये जो चेंजेस आएंगे वो आपके बेटरमेंट के लिए हैं, उनसे डिस्कस करोगे। आप वहां पे डायरेक्टली कौन सा लीडरशिप यूज नहीं करोगे, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप यूज नहीं करोगे वहां पे, आप जहां पे आपको पता है कि लोग क्या कर देंगे, रिबेल कर देंगे, आपके अगेंस्ट चले जाएंगे, तो वहां पे ऑटोक्रेटिक यूज नहीं होता। ऑटोक्रेटिक का मतलब है कि भैया आपने सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन, जो बोल दिया कर दिया लागू, अब मैं सुनूंगा नहीं, तो उस केस में क्या होगा, वो छोड़ के चले जाएंगे। कब होगा ये चीज, ये तब होगा जब टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है, वो समझा बोला हाँ यार ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट में ऐसे लागू नहीं कर सकते, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विद्रोह होने के चांसेस ज्यादा हैं, लोग थोड़े अकड़ू नेचर के ज्यादा हैं, तो बैठ के समझाया हम ऐसा करेंगे तो ये फायदा होगा, देखिए आपका ये होगा, फिर उनसे फीडबैक लिया, फिर उनको उनका बेनिफिट समझाया, फिर देखो उसको लागू करके वो हो गया। तो जो चीज पहले किसी और ऑर्गेनाइजेशन में लागू हुई है वो ही दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में लागू हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, ठीक है, मींस कॉपी पेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल, कॉपी एंड पेस्ट। इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस अगर आपने कोई सिचुएशन पे, सिमिलर सिचुएशन पे कोई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को लागू किया और वो कारगर साबित हुआ, वो एक्टिव हो गया, आपको फायदा मिला, पॉजिटिव रिजल्ट मिला, इट डजंट मीन कि उसको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, क्योंकि वहां पे अलग तरह के नेचर ऑफ ह्यूमन होंगे, उनके सोचने का तरीका अलग होगा, ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग अलग होगी, क्लाइमेट अलग होगा, सिचुएशन अलग होगी, सर्कमस्टांसेस अलग होगी, तो वहां आपको समझना पड़ेगा। तो सेम वही चीज जो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया था, कोई उदास है और जोक कर रहा है तो बढ़िया लगा, दूसरे को समझाया जोक किया तो चाटा पड़ गया, क्यों पड़ा, क्योंकि वो दूसरे वजह से उदास था, उसकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई होगी, मान लीजिए उसका ब्रेकअप हो गया होगा तो उस वजह से था वो उदास था, मम्मी की डांट खाने की वजह से, तो उसको जोक काम कर गया, पर अगर किसी की फैमिली में डेथ हो गई, उसका ब्रेकअप हो रखा है, फिर आप उसको जोक सुनाओगे तो फिर चाटे पड़ना निश्चित है, है या नहीं है, है सर, तो दैट मीन्स इट इज कंटीजेंट, यू नेट You need to change according to situation. जैसे division of work के लिए बताया आपको, cannot be applied in organization where personal skills are needed. ये बताया चुका हूँ बेटा आपको। जब personal skills की requirement है वहाँ division of work नहीं होता, किसी और को काम नहीं दे सकते आप ही करोगे। समझ में आ गई बात? Clear है? आगे चले? चलिए जी।
अब इसी के साथ आपको क्या कंप्लीट हो गया, इसी के साथ आपको कंप्लीट हो गया फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या कंप्लीट हुआ बेटा? फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल मैनेजमेंट, मतलब अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को लेकर बात करेंगे। तो फीचर्स कंप्लीट हो गए प्रिंसिपल मैनेजमेंट के, तो अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्या कहना चाहता है, अगेन चौरसिया साहब विथ हिज फेवरेट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन, बाय इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अच्छी तरह लिख दो, चलो अच्छी तरह लिख देता हूं, कोई नहीं ऐसा क्या हो गया, पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करके देखेंगे अच्छा लगेगा। चलिए जी चेक करते हैं, ये वाला देखते हैं, ओहो ये तो और ही गंदा है। व्हाट डू यू मीन बाय इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भैया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है, और ये क्वेश्चन किसने रेस किया हमारे, ये रेस किया हमारे चौरसिया साहब ने, और इसका जवाब देने के लिए कौन है हमारे साथ, मिस्टर एक्स। कौन है, मिस्टर एक्स, और इनके बीच में सुलह कराने के लिए कौन बैठा है, मैं और आपको समझाने के लिए। तो चलिए जी बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को लेके। सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या बोल रहा है हमें, प्रोवाइड्स मैनेजर विथ यूजफुल इनसाइट। अरे सर ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा। इसको समझने के लिए हम वापस से पहले वाले पॉइंट पर चलते हैं। मैंने क्या बताया था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किस पे बेस्ड है बेटा, कॉज एंड इफेक्ट। दूसरा क्या बताया आपको, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किससे किससे रिलेट करता है, किससे मेनली वो क्या बोलता है कांटेक्ट करता है, किसको इन्फ्लुएंस करने की बात करता है, ये बात करता है पर्संस को, या बेसिकली ह्यूमन नेचर। ठीक है, अब जो मैनेजर है बेटा उसने कहीं कोई चीज अप्लाई करी है, उसने पढ़ा है कि बेसिकली इस तरह के प्रिंसिपल इस तरह की सिचुएशन अप्लाई करते हैं, उसका इफेक्ट ये आता है। ठीक है, तो उसको पता है कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, मींस कहीं ना कहीं उसको क्या मिल रहा है, विथ यूजफुल इनसाइट, दैट मींस रियल वर्ल्ड सिचुएशन उसको देखने को मिला है। इट मीन्स प्रोवाइड्स मैनेजर विथ यूजफुल इनसाइट। प्रिंसिपल मैनेजर क्या कर रहा है कि भैया इस तरह की सिचुएशन में अगर इस तरह का आप अप्लाई करोगे, क्या करोगे, अगेंस्ट हो जाओगे, उनके ऊपर पेनल्टी चार्ज करोगे, तो कुछ तो सुधरेंगे कुछ बिगड़ जाएंगे। तो आपको उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों पता है। अब आपको लगता है पॉजिटिव ज्यादा नेगेटिव कम है तो एप्लीकेबल कर दो, और लगता है भैया नेगेटिव ज्यादा पॉजिटिव कम है तो भैया कुछ और उसमें मॉडिफिकेशन कर दो। तो इट प्रोवाइड्स रियल वर्ल्ड सिचुएशन, प्रोवाइड टाइमली गाइडेंस विच हेल्प द इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर, हेल्प्स द मैनेजर टू लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक एंड सॉल्व रिकरिंग प्रॉब्लम्स क्विकली। सिंपल क्लियर है, एक ही बार में क्लियर बैठ गया। तो ये कॉज एंड इफेक्ट पर्सन ह्यूमन नेचर से रिलेट करता है। तो क्या कर रहा है, आपको रियल वर्ल्ड सिचुएशन, अगर इस तरह का सिचुएशन आया था भैया इस कंपनी में ऐसा सिचुएशन हुआ था, वहां पे इस तरह के प्रिंसिपल मैनेजमेंट का यूज किया गया या इस प्रिंसिपल का यूज किया गया, उसका क्या इफेक्ट आया, तो रियल वर्ल्ड सिचुएशन। साथ ही साथ आपको टाइमली गाइडेंस मिल रहा है, जनरल गाइडेंस मिल रहा है, नहीं मिल रहा, मिल रहा है। इससे हो क्या रहा है, मैनेजर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। कैसे इंक्रीज हो रही है, जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है पास्ट में जो मिस्टेक हुई को ध्यान में रखते हुए, जो आपके नॉर्मल रोज के प्रॉब्लम्स है वो क्या होंगे, फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। आप ओवर द ईयर इतने एक्सपीरियंस ले चुके हो, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपने चेंज किया, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने गए, वहां पे बोला सर ये प्रॉब्लम आ रही है, अरे यार हमारी उस ऑर्गेनाइजेशन में आती थी, एक काम करो उसके ऊपर ये इस तरह से उसको हैंडल कर सकते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये समस्या है तो इसके ऊपर ये प्रिंसिपल एक्टिवेट कर दिया जाए जिससे पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ठीक है, पास में उसने मिस्टेक करी होगी, ऑब्वियस बात है, ऐसा कोई आदमी नहीं जो गलती नहीं करता, भगवान से गलती हुई, हमसे गलती हुई, हमारे माँ बाप से भी गलती हुई है, सबसे होती है, पर समझदार कौन, जो उन गलतियों से सीख जाए और अगली बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो तो हम क्या कर सकें, उसमें बदलाव कर सके। इज इट क्लियर, बैठी गणित दिमाग के अंदर, चले आगे। चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट हमसे बोल रहा है, कहाँ गया,
दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। भैया रिसोर्सेज की जब बात करते हैं, दो रिसोर्सेज देख लीजिए, एक तो रिसोर्सेज आपके फिजिकल रिसोर्सेज मान लीजिए, या आप मिनरल रिसोर्सेज मान लीजिए, और एक आपका हो गया ह्यूमन रिसोर्सेज। तो दोनों रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए भैया, दोनों ही चीज स्कैर्ड है। ऐसा नहीं कि ह्यूमन रिसोर्सेज कम है, बहुत है, पर आपको जिस तरह का चाहिए, स्किलफुल चाहिए वो कम है, अनस्किल्ड अबेंडेंस है, पर अनस्किल्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, आपको स्किलफुल चाहिए, स्किलफुल में पर्टिकुलरली इसी स्किल के लिए चाहिए, तो वो लिमिटेड है। मिल भी गए तो एग्जीक्यूट प्रॉपर हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, उसके पास स्किल है पर वो उस चीज को एग्जीक्यूट कर पा रहा, नहीं कर पा रहा, वो भी जरूरी है। सो दैट्स व्हाई प्रिंसिपल मैनेजमेंट बोलता है भैया आपके पास रिसोर्सेस कम है, तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट बने इस तरह से। जैसे डिवीजन ऑफ वर्क क्यों बना, डिवीजन ऑफ वर्क इसलिए तो बना कि भैया अगर डिवीजन ऑफ वर्क नहीं होगा सॉरी, तो क्या क्या नुकसान होने के चांसेस हैं, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होने के चांसेस है। जैसे कि आपने बताया नहीं, मुझे बताया नहीं, मुझे बिजनेस स्टडी पढ़ाना है, कुछ भी नहीं बताया, तो मैं बिजनेस स्टडी पढ़ा सकता हूँ, मैं अकाउंटेंसी पढ़ा सकता हूँ, तो बिजनेस स्टडी पढ़ा रहा हूँ, अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूँ। दूसरा टीचर है, उसको भी नहीं बताया, वो भी पढ़ा सकता है, तो वो भी बिजनेस स्टडी पढ़ा रहा है, अकाउंटेंसी पढ़ा रहा है। वेस्टेज ऑफ एफर्ट, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, हुआ नहीं हुआ, हुआ। तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या किया, डिवीजन ऑफ वर्क करा कि भैया आपके रिसोर्सेज को पता है, सामने वाले को बता दिया आपको ये काम करना है, और जब वो लगातार एक ही तरह का काम करेगा तो उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी नहीं होगी, होगी। उसकी स्पेशलाइजेशन इंक्रीज होगी नहीं होगी, होगी। कंपनी को फायदा होगा नहीं होगा, होगा। क्लियर है, तो रीड करते क्या बोल रहे हैं, that it means using resources in a manner that give maximum output at a minimum cost, help the manager to foresee cause and effect relationship, again the same thing of their decisions, and reduces the trial and error approach and the negative effect. So obviously cause and effect relationship, agar hum division of work nahi karenge to ye nuksan ho sakta hai, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, मैनेजर वेस्ट होगी, टाइम वेस्ट होगा, और आपका ट्रायल एंड एरर अप्रोच भी रिड्यूस हो जाएगा। कई बार होता है ना, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अच्छा ये चीज लागू कर ले यार, ओपे ये लागू कर दे, ये उसमें एक्टिव कर दे, ठीक है। तो उस समय आपको पता नहीं क्या करना है, आप बोलते हो एक बार सब्जी बना रहे मान लीजिए, और उसमें खटास ज्यादा होगी, नमक डाल दे, अरे नमक क्या डाल दे यार, खटास ज्यादा है, कुछ और तरीका देखो, पर आपको अच्छा नमक ज्यादा हो गया, अब एक काम कर पानी डाल दे, ठीक है, अरे बहुत ज्यादा वो से पिलपिला हो गया, क्या करें, सब्जी और काट के डाल दें। ट्रायल एंड एरर अप्रोच क्यों कर रहे हो, प्रॉपर एक तरीका होगा, अगर खटास ज्यादा हो गई है तो फिर क्या कर लीजिए आप, सब्जी पहले डाल दीजिए उसके अंदर, या पहले ही पानी डाल देते उसके अंदर, वो कम कर देगा, ठीक है। मान लीजिए चाय बना रहे हो, दो जने की चाय बना रहे थे आप, दो जने की चाय बना रहे थे आप, दो जने और आ गए, आपकी मम्मी ने बोला कि भैया एक काम कर बेटा, दो कप और बना देना, आपने क्या करा, आपने दूध डाल दिया, बोलो बढ़ गई चाय, चाय की मात्रा बढ़ गई, पर चाय की मात्रा नहीं बढ़ी, बढ़ी तो सही चाय की मात्रा, पर उसकी जो क्या बोलते हैं रंग है, जो चाय पत्ती है वो क्या हो गई, कम पड़ गई, क्योंकि आपने मात्रा ज़्यादा ली दूध की, आप चाय पत्ती डाल रहे हो, फिर आप चीनी डालोगे, अब चीनी अगर ज़्यादा डल गई तो पूरी मिठास ज़्यादा बढ़ गई, मिठास बढ़ गई तो आपने बोला अरे यार थोड़ा सा दूध और डाल दे मिठास को कम करने के लिए, तो क्या हुआ, ट्रायल एरर हुआ, नुकसान हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्या कर सकते थे भैया, एक काम कर दो बन गई है, दो और चढ़ाते हैं अलग से तो सब बराबर बैठ जाएगा, समझ में आ गई बात। तो बेसिकली आपको कॉज एंड इफेक्ट पता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा, दूध डाल दूंगा और ये डालना पड़ेगा और डालना पड़ेगा, रायता ही फैल जाएगा, तो आप वो नहीं करोगे, फिर ट्रायल एंड अप्रोच यूज नहीं करोगे, आप डायरेक्टली एक प्रॉपर वे यूज करोगे जिससे उसका बेस्ट रिजल्ट निकल कर आएगा, दैट इज बाय डिस्करेजिंग पर्सनल प्रिज्यूस एंड बायसनेस हेल्प इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्करेज करता है, किसको डिस्करेज करता है, पर्सनल प्रिज्यूस, मतलब आपने जो सोच लिया आपके हिसाब जो सही है उसको बोले नहीं नहीं ना, तेरे ट्रायल एंड एरर तेरे पास रख, और मैं बोल रहा हूँ ना यार मेरे विश्वास कर एकदम लागू होगा, कभी अप्लाई किया है, अरे देखा है मैंने यार कहीं पर, कहाँ देखा, अरे देखा था मैंने दोस्त से सुना था, तूने कभी अप्लाई किया खुद के लिए, कभी अप्लाई करके देखा इसका रिजल्ट, नहीं। तो आपका जो पर्सनल प्रिज्यूस है, ये पर्सनल बायसनेस है कि ये करने से हो जाएगा, उसको करता है प्रिंसिपल मैनेजमेंट, खत्म, हटा चाटे के सट सट सट, बोले ये काम नहीं लगेगा, ट्रायल एंड एरर नहीं लगेगा। और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा कब, ऑब्वियसली प्रिंसिपल मैनेजमेंट बनाए किस बेसिस पे, ह्यूमन नेचर पे बनाए, और ह्यूमन नेचर पे किस पे बनाए, वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को लेकर बात करता है कि उसका रिजल्ट क्या होगा, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन वो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। क्लियर है, अगला पॉइंट क्या कहना चाहता हूं हमसे,
चलिए जी अगला पॉइंट बोल रहा है साइंटिफिक डिसीजंस है। अब साइंटिफिक डिसीजन अगेन वही वाली बात है बेटा, मैनेजमेंट डिसीजन जो बेस्ड है वो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन एंड एम्फसाइज ऑन लॉजिक रेदर देन ब्लाइंड फेथ। हर चीज को ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंट करके उसका रिजल्ट क्या रहा वो उसके बाद वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बना है। ऐसे चलते फिरते प्रिंसिपल मैनेजमेंट नहीं बन गया कि आप रास्ते में जा रहे थे आपने कोई चीज ऑब्जर्व करी आके आपने किताब लिख दी धम 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 प्रिंसिपल मैनेजमेंट ना। साइंटिफिकली टेस्टिंग हुई है, साइंटिफिकली मतलब ये नहीं है जैसे अपने साइंस में होता है, इट मींस लॉजिक। ब्लाइंड फेथ नहीं, एक बार करके देख लिया तो वो हो गया, नहीं बार बार उसको लागू किया ओवर द इयर्स अलग अलग सिचुएशन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में लागू किया उसके बाद जो रिजल्ट निकल गया उसके बाद उसको प्रिंसिपल मैनेजमेंट में जगह मिली है। तो इट एम्फसाइज ऑन लॉजिक रेदर देन ब्लाइंड फेथ। तो ये जो ब्लू में लिखे हुए हैं ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था कि सीबीएसई में एग्जाम देते हो और इन वर्ड्स का अगर आप यूज करते हो तो ये मान के चलिए 100 out of 100 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। कई बार जो नंबर कटते हैं आपका पेपर अच्छा जाता है बोलते हो यार 98 ही आए मेरे हिसाब से 100 आने चाहिए थे, दो नंबर कम क्यों रह गए, वो दो नंबर आपके इसलिए कम रह गए क्योंकि आपने प्रॉपर वर्ड्स का यूज नहीं करा। या मान लीजिए आपके 90 आए पर आपने बोला आंसर एकदम सही है सारे क्वेश्चन के आंसर सही लिखे और 90 आए 10 नंबर कहां कट गए यार, वो इसलिए कि आपने जो वर्ड्स जिस समय जहां पे इस्तेमाल होना था वो इस्तेमाल नहीं किया। डिसीजन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल मैनेजमेंट आर फ्री फ्रॉम बायस एंड प्रिजुडिस, में बता ही चुका हूं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को जो डिसीजंस होते हैं वो बायसनेस से फ्री होते हैं, प्रिजुडिस से फ्री होते हैं, मतलब ट्रायल एंड एरर अप्रोच से फ्री होते हैं। इट मस्ट बी टाइमली रियलिस्टिक एंड सब्जेक्ट टू मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। तो उस समय टाइमली होगा रियलिस्टिक होगा कि ये चीज एक्चुअली अप्लाई करी गई है और उसका रिजल्ट ये निकल कर आता है और उसको आप मेजर भी कर सकते हो, देन इसलिए हम बोलते हैं क्या बेटा साइंटिफिक डिसीजंस होते हैं, ऐसे ही उलझुल हाबड़ तोबड़ में डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं। क्लियर। अगला पॉइंट मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने आपको बताया अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करना है लॉन्ग टर्म तक रेगुलर बेसिस सर्वाइव करते जाना तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अकॉर्डिंग टू बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करना पड़ेगा अपने आप में चेंज करना पड़ेगा। नाउ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट होता है डायनेमिक, मैंने आपको बताया ना बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है डायनेमिक। और बिजनेस एनवायरनमेंट क्या क्या आ गया, आपका इकोनॉमिक भी आ गया, आपका सोशल भी आ गया, आपका टेक्नोलॉजिकल भी आ गया, आपका पॉलिटिकल भी आ गया, ठीक है, आपका लीगल एनवायरनमेंट भी आ गया। तो इनमें कभी बदलाव हो सकते हैं, जब इनमें बदलाव होगा तो ऑर्गेनाइजेशन को अपने काम करने के तरीके में भी बदलाव लेके आना पड़ेगा। नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आप मार्केट से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे, तभी आप सर्वाइव। तो इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो इट मस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू कंटिन्यूसली अडैप्ट इटसेल्फ एज पर द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइंस, बता चुका हूं, विच कैन बी मॉडिफाइड एज पर द सिचुएशन। एग्जाम्पल डिविजन ऑफ वर्क रिजल्ट इन स्पेशलाइजेशन, कंपनीज आर स्पेशलाइजिंग इन दियर कोर एरिया एंड आउटसोर्सिंग दियर नॉन कोर एक्टिविटी। तो इसका कहने का मतलब है कुछ कंपनी जैसे बोलते हैं ना आउटसोर्सिंग बढ़ गया है, ये बीपीओ बोलते थे पहले, आजकल हम इसे केपीओ बोलते हैं, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। पहले बेसिकली हम स्टार्ट जमाने में इसको बोलते कॉल सेंटर्स, फिर हमने बोला बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है ना, बीपीओ, अब हम इसको बोलते हैं केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कंपनीज को ये रियलाइज हो रहा है कि सारे काम हम नहीं कर सकते। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं सेल हम नहीं कर सकते, अगर सेल हम कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं कर सकते। तो जिस एरिया के अंदर वो ज्यादा क्या है अपने आप में कॉन्फिडेंट है, जिस एरिया के अंदर जिसमें कोर कॉम्पिटेंसी भैया ये तो मैं कर सकता हूं इसमें तो मेरा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, उसमें क्या करते हैं डिविजन ऑफ वर्क करके उसको स्पेशलाइज कर देते हैं। और जो पता है कि भैया ये काम हम नहीं कर सकते उसको क्या करते हैं आउटसोर्स कर देते हैं, ठीक है भैया ये दूसरी कंपनी जो अच्छी तरह कर सकती है उनको दे दीजिए। आजकल तो बाहर की कंपनी जितनी उनकी जो अकाउंटिंग हो रही है वो इंडिया में जितने भी कैपीओस ओपन हुए हुए हैं, ठीक है, चाहे वो इंफोसिस हो, ठीक है, बहुत सारे नाम है, इंफोसिस का भी है मेरे ख्याल से, जेनपैक्ट है, तो ये क्या कर रहे हैं आउटसोर्सिंग एक्टिविटी करते हैं, बाहर की कंपनीज का जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं जो उनकी प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व नहीं कर पाते, ग्रीवेंस से सेल नहीं करते खुद का, तो ये हमारे पास आ जाता है और हम इसको क्योंकि हम इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं बहुत ज़्यादा बेटर वे में हम इसको डील कर सकते हैं, तो इस सारा हम क्या करते हैं उनके लिए हेल्पफुल तरीके से कंप्लीट कर देते हैं, बेटर वे में कंप्लीट करते हैं, अगर वो खुद करने की कोशिश करते हैं तो उनको नुकसान होता। क्लियर है आगे वो समझ में। तो चेंजिंग एनवायरनमेंट क्या होगा बेटा, आपको बदलना पड़ेगा,
क्लियर। सेम वे प्रिंसिपल मैनेजमेंट जैसे बदलाव होगा वैसे वैसे इन्वायरमेंट चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे प्रिंसिपल मैनेजमेंट भी फ्लेक्सिबल है, क्योंकि मॉडिफाइड करा जा सकता है उनको। अगला क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एंड रिसर्च। अब हमें पता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऐसे राह चलते तो बन नहीं गया बेटा। देयर वाज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, शॉर्ट मिल गया एक्सपेरिमेंटेशन। अब ये ऑब्वियसली रिसर्च हुआ होगा तभी तो बनेगा, रिसर्च होता जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, रिसर्च चलते जाएंगे। आज की तारीख में क्या प्रिंसिपल मैनेजमेंट और हो सकता है, आज की सिचुएशन को देखते हुए, कोरोना आ गया, कोविड आ गया, इसमें क्या बेटर था, ठीक है, ये चीजें समझी जाएगी, न्यू फिलोसफी जनरेट होगी, नए सिचुएशन नए मार्केट को देखते हुए नए तरह के प्रिंसिपल्स का जन्म होगा। और क्योंकि एक अच्छा मैनेजर चाहिए, उसको डेवलप चाहिए, स्किलफुल चाहिए, नॉलेजफुल चाहिए, तो ऑब्वियसली उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। तो आज चाहे आप बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हो, जैसे ट्वेल्थ में आप पढ़ रहे हो प्रिंसिपल मैनेजमेंट, बीकॉम में जाओगे तो वहां भी पढ़ने को मिलेगा, एमबीए करोगे तो और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। जब ये पढ़ेगा बंदा तब वो अच्छा एक मैनेजर बन पाएगा। क्यों बन पाएगा? क्योंकि अब उसके पास ज्यादा नॉलेज है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई प्रिंसिपल हेल्प्स टू इंक्रीज द नॉलेज एंड आर यूज्ड एज अ बेसिस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। और बेसिकली आजकल हर तरह के इंस्टीट्यूट जितने भी पढ़ाई है कॉमर्स में, आप जैसे आगे पढ़ते जाओगे तो ये चीज आपको मिलती जाएगी। ऐसा नहीं कि बेटा ये सिर्फ ट्वेल्थ के अंदर, ना ना ना, आप सीए करोगे वहां पे भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, वहां पे भी आपको पढ़ना पड़ेगा, बिजनेस के बिजनेस लॉ भी पढ़ना पड़ेगा, बिजनेस कैसे हैंडल किया था, बिजनेस के क्या प्रिंसिपल्स है। जब एमबीए करने जाओगे तो बहुत डिटेल के अंदर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, हर एक सेक्टर को, ठीक है, हर एक प्रिंसिपल्स को, ये प्रिंसिपल क्या कहना चाहता है, कहां इसके अप्लाई होता है, केस स्टडीज मिलेगी आपको देखने को लेकर। तो दीज आर द सिनेरियोस। चलिए जी, अगला में क्या बोल रहा है, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट सिर्फ यही नहीं है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कराने, वो तो कराने ही कराने, पर साथ ही साथ उसको ये भी पता है कि भैया अब हो गई पब्लिक अवेयर। अगर पब्लिक को लगा कि भैया ये जो कंपनी है ये हमारा काट रही है, ठीक है, ये हमारा काट रही है, हमें बेवकूफ बना रही है, तो फिर वो बोलेगी काम करो, अपना बोरे बिस्तर उठाओ, निकलो, तुम्हारे प्रोडक्ट हम नहीं खरीदेंगे, जब कंपनी के प्रोडक्ट सोसाइटी परचेज ही नहीं करेगी तो फिर उस कंपनी का कुछ नहीं हो सकता, उस कंपनी का भंटाधार है, उस कंपनी का डुबत है, उसको चल जाना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, ताला लगा देना चाहिए, ओम नमः स्वाहा, खत्म खेल। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नॉट ओनली हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बट आल्सो गाइड द मैनेजर इन परफॉर्मिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ पब्लिक हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर द बिजनेस फर्म टू फुलफिल एसआर दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे इक्विटी, फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल वर्कर्स, जैसे मैंने आपको बताया ना इक्विटी। अब आप भेदभाव नहीं कर सकते, भेदभाव करोगे तो सर पकड़ में आओगे, पिटाई और खाओगे, पुलिस वाले ले जाएंगे अंदर, ठपा ठप पिटाई कर देंगे आपकी। करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे, ठीक है। तो अब ये हो चुका है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ा पार्ट है भाई। ऑब्वियसली आप सारे रिसोर्सेज लेते हो कहाँ से बेटा? सोसाइटी से, ठीक है, चाहे ह्यूमन रिसोर्स की बात करो, चाहे मिनरल की बात करो, फिर बेसिकली आप रेवेन्यू भी कमाते कहाँ से हो? सोसाइटी से, वो आपको प्रोडक्ट परचेज करती है। अब जो आपको जन्म से लेके आपके प्रॉफिट तक सब कुछ कौन प्रोवाइड कर रहा है? सोसाइटी। तो उसके साथ अगर दगा करोगे, उसके साथ अगर चीटिंग करोगे तो फिर तो ना हो पाएगा, फिर तो पढ़ाई हो जाएगी। तो पहले जो चलता ना प्रोडक्ट ओरिएंटेशन की, प्रोडक्ट बना दिया और फिर देख लिया मार्केट में बेचते, वो नहीं होगा, अब होगा मार्केट ओरिएंटेशन। साथ ही साथ पहले होता प्रोडक्ट, कंज्यूमर क्या है? कोई नहीं है, अब कंज्यूमर भगवान है। कंज्यूमर बोल दिया भाई तेरा कब प्रोडक्ट बेकार है, तो मतलब बेकार है, फिर तो मार्केट से खत्म। तो इसलिए क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी जरूरी है, और प्रिंसिपल मैनेजमेंट इस बात को समझता है। दैट्स व्हाई एक वर्ड है प्रिंसिपल, पढ़ेंगे अपन, इक्विटी, जहां पे सभी को बराबर ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट, ये हमारे क्या हो गए बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात हो चुकी है। तो आज की क्लास में हमने क्या कवर किया, हमने कवर किया फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट, और साथ ही साथ हमने कवर कर लिया इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो अगली क्लास में मिलेंगे और हेनरी भैया के बारे में बात करेंगे, थोड़े से उनके पास्ट के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ हम जानेंगे कि क्या कि उनके कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट है, डिटेल में पढ़ेंगे, और जब नेक्स्ट क्लास होगी तो आपसे क्वेश्चन भी रेज करूंगा। और एक क्वेश्चन है कि कोलगेट का सेल कैसे इंक्रीज किया गया था, एक केस स्टडी है, लाइव केस स्टडी और एग्जैक्ट ट्रू केस स्टडी है, उस बारे में बात की जाएगी कि कोलगेट एक बड़ी मुसीबत में फंस गया था और उसको कैसे निकाला गया। समझ में आई बात? तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।